वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 2 से 3 साल की लड़की के लिए कैफ्री बना के दिखाऊंगी। सिंपल कैफ्री ये बनेगी बिल्कुल। तो जिसके लिए मेरे पास ये बचा हुआ पीस पड़ा था, ये कलरफुल है, तो इसको मैंने ये देखिए डबल फोल्ड हम कर लेंगे। ये सिंगल फोल्ड है, फिर इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। साइड में इसमें कोई कट नहीं डालूँगी मैं, बिल्कुल सिंपल इसको बनाऊँगी। डबल फोल्ड करने के बाद हम इस कपड़े को देखें, मैं नाप के बताती हूँ कि कपड़ा ये कितना है। 17 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई में ये डबल फोल्ड करने के बाद 10.5 इंच है। तो मेरे को कैफ्री 15 इंच तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैं पूरा कपड़ा लूँगी, नीचे जो है फोल्ड के लिए मैं इसमें दूसरे कलर की पट्टी लगाऊंगी इसके ऊपर। तो ऊपर फोल्ड के लिए 1.5 इंच रहेगा, आधा नीचे दबेगा, 15 इंच बन के तैयार रहेगा। कपड़े को यहाँ हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए बराबर ये पूरा 17 इंच कपड़ा है। तो यहाँ ऊपर पहले हम इसकी जो है 1.5 इंच हम फोल्ड का निकाल देंगे। 1 इंच की इसमें मैं लास्टिक लगाऊंगी, तो 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे ये फोल्ड के लिए अलग से, और ये निशान हम सीधा कर देंगे इस तरह से। अब ये नीचे देखिए मेरे पास 15.5 इंच कपड़ा बच गया है, 15 तैयार रहेगी। ऐसे फोल्ड करके मैं दूसरे कलर की पट्टी लगाऊंगी। तो अब इसमें हम लेंगे इसका आसन। आसन की लंबाई हम 7.5 इंच लेंगे 2 से 3 साल के गुड़िया के लिए, और इस को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से हम ऊपर जो कमर से लेंगे 7.5 इंच। कैफरी थोड़ी खुली रखते हैं, वैसे मैंने बता रखा है कि जो हमारी हिप होती है नाप लेते हैं बच्चे की या बड़े की, तो उसमें 4 इंच प्लस करके उसका 1/4 भाग लेते हैं। थोड़ा लूज चाहिए तो 5 इंच पहले प्लस कर लें। ये 7.5 पे मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ, और यहाँ लगाएंगे हम 7.5 पे लगाया, तो यहाँ 1 से 1.5 इंच ज़्यादा हम लगाएंगे। तो ये मैं लगा रही हूँ 9 इंच पे। और यहाँ 7.5 पे भी एक निशान हम लगा देंगे, ये 1.5 इंच ज़्यादा लिया है। अब इसको हम ऐसे मिला लेंगे सीधा। और यहाँ इसकी गोलाई देंगे आसन की गोलाई दे देंगे इस तरह से। इसमें चौक कम दिख रहा है। अब नीचे हम जो मोहरी रखेंगे 6.5 इंच हमने तैयार करनी है, तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे, 1/2 इंच ज़्यादा, और यहाँ इसको ऐसे सीधा मिला देंगे। अब इसको कट कर लेंगे। मैं इसकी सिलाई करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम दोनों साइड के जो है आसन सिल लेंगे। सिलाई
सिलाई को डबल कर लेंगे और दूसरी तरफ भी आसन की सिलाई लगा लेंगे। आसन सिलने के बाद मैंने इंटरलॉक कर लिया है। आप देखिए, हम इसको ऐसे खोलेंगे इस तरह से, और यहाँ से इसको उल्टा रख के नीचे, जो हम नीचे फोल्ड करने के लिए मैंने ये पट्टी ली है अलग कलर की, ये इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। तो इसको उल्टा करके रखेंगे और पट्टी की चौड़ाई ली है मैंने 2 इंच। ये कपड़ा उल्टा रहेगा और पट्टी हमारी सीधी रहेगी। उल्टे पे सीधा हम लगाएंगे इस पट्टी को, फिर ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम ये पट्टी जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे करके अच्छे से इस पर प्रेस लगा लेंगे दोनों साइड में। प्रेस लगाने के बाद हम इसको ऐसे रखेंगे, देखिए सीधी तरफ ऐसे पलट लेंगे, और यहाँ बिल्कुल यहाँ ये नीचे वाला कपड़ा नहीं दिखना चाहिए। ऐसे किनारी से सिलाई लगाएंगे। अब इसको ऐसे घुमा लेंगे और यहाँ थोड़ा सा कपड़ा अंदर ऐसे फोल्ड करेंगे। पूरे में अच्छे से, ये बिल्कुल खींचना नहीं है, अच्छे से इसको यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये मेरी रेडी हो चुकी है। ऐसे ही हम दूसरे पैर को भी नीचे से तैयार कर लेंगे। ये मैंने 16 इंच लास्टिक लिया है और इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। लास्टिक डालनी मैंने पहले भी बता रखी है, हम इसमें लास्टिक डाल लेंगे। ये देखिए, मैंने लास्टिक डाल दिया है और इसके ऊपर भी सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे नीचे से। अब नीचे से इसको हम 6.5 इंच मुझे रखना है, तो 6.5 इंच नाप लेंगे और निशान लगा लेंगे। देखिए इधर, यहाँ से अब इसको सिलना शुरू करेंगे। आसन वाली सिलाई बिल्कुल बराबर मिलाते हुए
और इसको यहाँ से देखे ऐसे रख के, जितने हमने इधर निशान लगाया उतना ही यहाँ भी लगा लेंगे, बिल्कुल बराबर, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिलाई को हम डबल कर देंगे। ये मेरी सिंपल कैफ्री बनके तैयार है। इसको रेडीमेड लुक देने के लिए मैंने आधा इंच चौड़ी एक ये पट्टी तैयार की है, और दो पट्टी देखिए मैंने ये तैयार की है मेहरूम कलर की। इसकी जो चौड़ाई है 1.25 इंच है, और आगे से थोड़ी सी मैंने इसको पतला लुक दिया है। ये हम लगाएंगे यहाँ पे साइड में, इसमें बेल्ट लगाएंगे हम ताकि ये रेडीमेड जैसी लगे। ये लूपी मैंने दो पीस ले लिए हैं, तो देखिए यहाँ हम इस सिलाई का बीच पकड़ेंगे और इसका बीच पकड़ेंगे, बिल्कुल बराबर ऐसे हम इसको मिलाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे साइड में निशान लगा लेंगे, ये देखिए यहाँ पे, और दूसरा निशान हम इस तरफ लगाएंगे। यहाँ पर अब हम इसको ऐसे रखेंगे और एक लूपी लेंगे, और लूपी को देखिए इस निशान के बिल्कुल ऊपर ऐसे रखेंगे यहाँ, और यहाँ पे कोने से हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम इस लूपी को ऐसे टर्न करेंगे, और ये देखिए इसको इसके बराबर ऐसे फोल्ड करके ऊपर से भी एक सिलाई हम यहाँ लगा देंगे अच्छे से मजबूती से। अब लूपी को हमने यहाँ भी सिलना है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे, नीचे से कपड़ा हटा लेंगे। और ये देखिए इस, ये ज़्यादा है हमारी लूपी, हमने ज़्यादा इसको नहीं रखना है, कट कर देना है। जितनी हमारी ये इलास्टिक है उतने तक ही हमने लूपी को रखना है। लूपी को हम यहाँ सिलेंगे, उससे पहले हम एक बेल्ट यहाँ अंदर में स्टिच कर लेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ, इसको इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल ये लूपी के अंदर छुप जानी चाहिए। इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से, और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये देखिए ये बेल्ट यहाँ स्टिच कर दी है। अब हम इस लूपी को यहाँ भी सील देंगे, नीचे कपड़ा हटाते हुए इसको अंदर ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी लूपी है ये, और यहाँ पे ये बेल्ट मैंने इसके अंदर सील दी है एक साइड की। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी इसको रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये बेल्ट जो है हम इसको चाहे तो यहाँ बांध सकते हैं इस तरह से, या फिर इसको देखिए मैं इसको कैसे लुक दूंगी। यहाँ जो हमारी लेस, सॉरी जो हमने प्लास्टिक डाली है, उसे 3 इंच नीचे ऐसे
और फिर यहाँ पे ऐसे रखूँगी और इसके बाद देखिए यहाँ से इसको उठाऊँगी और इस तरह से, और ऐसे ही हम इधर से इसको ऐसे उठा के इस तरह से, ये देखिए, और यहाँ पे मैं इस पर ये बटन अटैच कर दूँगी सिर्फ इसके ऊपर, नीचे वाले कपड़े पे बिल्कुल नहीं। ये देखिए ये मैंने जो है बिल्कुल सिंपल कपड़े से बिल्कुल रेडीमेड कैफ्री तैयार कर दी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।